अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सीटेट 8 दिसंबर 2019 आंतर की। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके इंग्लिश पेपर सॉल्यूशन को लेकर। तो दोस्तों आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद डिसाइड करिएगा कि पेपर कठिन आया था या सरल। तो दोस्तों फिलहाल हमने इस वीडियो को हिंदी में बनाया है, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर देख रहे होंगे दोस्तों, आपको इंग्लिश में भी प्रश्न है हिंदी में भी। तो हमने सोचा दोस्तों काफी बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश कमजोर होती है और वो इंग्लिश लेते भी है और वो हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं 121 आपके पेपर में क्या आया था। तो हो सकता है दोस्तों आपके पेपर का जो कोड हो ऊपर नीचे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एन एरर। तो दोस्तों इसकी हिंदी होगी निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है आपको ये बताना था। पहला दोस्तों ऑप्शन था कि देयर इज नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरा दोस्तों दैट हार्ड वर्क कठिन परिश्रम है, पेस द वे रास्ता प्रशस्त करता है टू सक्सेस सफलता के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा था डी विकल्प था, वो टू सक्सेस सफलता के लिए। तो दोस्तों जिन बच्चों ने डी विकल्प को टिक किया होगा उनको एक नंबर यहां मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 122 नंबर आपके पेपर में क्या आया था। क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम लोग हिंदी में देखने का दोस्तों हमें फायदा ये मिलता है कि हमें क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आता है। तो कुछ बच्चे संस्कृत लेते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश लेते हैं। अब दोस्तों सब लोग यही करता है, चाहे संस्कृत लेंगे तो भी इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, किसी तरह कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, और इंग्लिश लेते हैं तो भी इसको हिंदी में करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, कौन सा भाई निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये आपको बताना था। तो दोस्तों का जो सही आंसर था, फिलहाल हम सीधे आंसर बताते हैं, फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन लाइफ, यह स्वतंत्रता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कारक नहीं है दोस्तों, जबकि यह है। और दोस्तों हमें क्वेश्चन में ये हमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि क्या बोला गया यहाँ पर नॉट ट्रू, ठीक है दोस्तों। अगर हमने नॉट को पढ़ना भूल जाए तो पूरा क्वेश्चन का अर्थ का नर्थ हो जाएगा, ये क्वेश्चन हम गलत कर जाएंगे। तो इसका सही आंसर यही था हमारा, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न क्या आया था आपके पेपर में इसको देखते हैं। विच मेथड्स डू अथॉरिटीज नॉट यूज टू सपोज पीपुल फाइटिंग फॉर फ्रीडम। तो चलिए हिंदी दोस्तों देखते हैं, स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोगों को दबाने के लिए अधिकारियों ने किन तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा पर्सुएशन, मतलब अनुनय। तो दोस्तों इसका इस्तेमाल नहीं किया गया था। तो दोस्तों जो कल बच्चे पेपर देंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा इसका आंसर। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या था, रिएक्शन अगेंस्ट एस्टैब्लिश्ड रिलीजन प्रॉम्प्ट्स पीपल नॉट टू, या स्थापित धर्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया लोगों को यह संकेत देती है कि टू स्टार्ट अ न्यू रिलीजन, या एक नया धर्म शुरू करने के लिए। तो इसका सही आंसर दोस्तों ये वाला हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न पेपर में क्या आया तो इसको दोस्तों देखते हैं। देखिए दोस्तों अगर आप डीएलएड के छात्र हैं, बीएड के छात्र हैं किसी भी सेमेस्टर में, तो आप इसको देख सकते हैं क्योंकि आपको समझ में आएगी वीडियो, क्योंकि दोस्तों ये हिंदी में है। फिर अगला क्वेश्चन था दोस्तों रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, लेखक के अनुसार वास्तविक स्वतंत्रता क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। तो इनर फ्रीडम, मतलब दोस्तों हमारी आंतरिक स्वतंत्रता। अगर आप इसको हिंदी में देखे होते तो आप इसको ऐसे ही टिक मार जाते हैं, अगर आपको इंग्लिश नहीं समझ में आई होगी तो आप गलत किए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मतलब निम्नलिखित वाक्य को आपको पढ़ना है। इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। दूसरा विकल्प दोस्तों था पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। पहले इसकी हिंदी देखते हैं दोस्तों, पूंजीवादी देशों में व्यक्तिगत स्वतंत्रता बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। दूसरा दोस्तों कम्युनिस्ट देशों में लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है। तो दोस्तों इसमें हमें ये हमारा सही आंसर होगा ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, मतलब दोस्तों ए गलत है बी सत्य है। मतलब दोस्तों क्या ए बी, तो दोस्तों हमारा बी में क्या था दोस्तों कम्युनिस्ट देशों में लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है, ये बात दोस्तों आपका ये वाला सही है, ठीक है ना। ये वाला विकल्प बी वाला करेक्ट है, ए वाला गलत था। तो दोस्तों आपको आंसर फिलहाल ऐसे करना था ए इज फॉल्स बी इज ट्रू। 127 नंबर प्रश्न हमारा पेपर में क्या था, हो सकता है आपने कुछ और रहा। विच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड इनवर्स एंड यूज इन द पैसेज या पैरा वन। प्रयास शब्द के अर्थ में कौन सा शब्द सबसे अधिक समान है और मार्ग में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अटेम्प्ट, इसका भी मतलब होता है प्रयास। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे गूगल से हमने ट्रांसलेट किया, तो यहाँ भी प्रयास आया था, यहाँ भी प्रयास आया, मतलब सेम है ना। तो मतलब सिंपल सी बात है, जिनको हिंदी इंग्लिश, जी हाँ दोस्तों इंग्लिश से हिंदी बनाने आती है, वो हर एक तरह के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। अब दोस्तों 128 में क्वेश्चन जैसे क्या था, विच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट मीनिंग इन द वर्ड सन एज यूज्ड इन द पैसेज पैरा टू। तो दोस्तों किस शब्द में
का सबसे विपरीत अर्थ है शान, जो कि प्रयुक्त मार्ग में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका अंत हो जाएगा प्रेफर, मतलब पसंद करते हैं, या शांत है या पसंद करते हैं, ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या था, विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द अंडरलाइन वर्ड इन द पैसेज सेंटेंस। तो दोस्तों निम्नलिखित वाक्य में भाषण का कौन सा भाग रेखांकित शब्द है, या दोस्तों द एरिया इज होम टू डजन ऑफ पैरेलल स्ट्रीम्स। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, क्षेत्र 12 मासी धाराओं का घर है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिलहाल आपका एडजेक्टिव, मतलब हिंदी का क्या इसका विशेषण। फिर हमारा अगला प्रश्न दोस्तों आया था पेपर में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, वाटर शुड बी सेंट्रल टू आवर थिंकिंग बिकॉज। देखिए निम्नलिखित के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, फिर यहाँ देखना कौन सा सत्य नहीं, ये बताना है। पानी हमारी सोच के लिए केंद्रीय होना चाहिए क्योंकि इट इज नॉट द कोर ऑफ लाइफ, यह जीवन का मूल है। ठीक है दोस्तों, ये सही आंसर होगा इसका, इस विकल्प के साथ आप जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला प्रश्न क्या था, 131, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन मेंशनड इन द पैसेज, या निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग में उल्लेख नहीं किया गया, ये दोस्तों आपको बताना है, ठीक है ना। द हिमालय फ्रॉम द बैक बोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री, ये दोस्तों हिमालय हमारे पर्यटन उद्योग की रीढ़ की हड्डी है। बैकबोन का मतलब दोस्तों ये रीढ़ की हड्डी था। फिर दोस्तों हमारा 132 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है दोस्तों, ये बताना था। क्लाइमेट चेंज हैज लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयस, ये सही आंसर होगा कि जलवायु परिवर्तन का हिमालय पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इस समय वीडियो समझ में आ रही होगी। तो दोस्तों अगर आपको हिंदी भी अच्छे से समझ में आ रही है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना जरूर दोस्तों भूलिएगा मत, बिल्कुल भी शेयर करना, ताकि उनको भी हिंदी पता चले। देखिए आपको जब हिंदी पता चलती है तो आप कितने भी कठिन प्रश्न को आसानी से कर सकते हैं। ये बात दोस्तों आप भी नोटिस किए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद कि यार इसकी हिंदी आती तो हम और अच्छे से कर सकते थे। 133 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, व्हाट इज नॉट टू स्पेशल अबाउट द हिमालयस इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, द हिमालयस स्टेट है। ठीक दोस्तों मतलब उत्तराखंड राज्य में हिमालय के बारे में क्या खास नहीं है, हिमालय राज्य में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ह्यूज मिनरल डिपॉजिट, विशाल खनिज भंडार। ठीक दोस्तों विशाल खनिज भंडार। फिर अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, 134, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज द मोस्ट सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड बॉन्टी। ठीक है दोस्तों क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बॉन्टी शब्द के अर्थ में सबसे समान है। तो इसका सही आंसर होगा जेनरोसिटी, मतलब उदारता। ठीक दोस्तों फिर अगला प्रश्न दोस्तों हमारा क्या था, 135 नंबर, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बेनेवोलेंट, मतलब परोपकारी शब्द के अर्थ में विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, मालवीय पुरुषवादी। तो ये हो जाएगा दोस्तों 135 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हमारे। अब पेडागोजी दोस्तों शुरू हो जाएगी यहाँ से, अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शन एंड गेस्टेड टू क्लास थर्ड स्टूडेंट आफ्टर दिस सी आस्क्ड देम टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑन द स्टोरी इन ग्रुप्स, व्हाई डू यू थिंक She asked them to draw the picture on the story. तो इसका सही आंसर दोस्तों देखा जाए तो हो जाएगा She wanted to access clear coloring and drawing skill. ठीक है ये सही आंसर होगा। अब दोस्तों इसको चलिए हिंदी में देखते हैं। तो हो सकता है दोस्तों गूगल की हिंदी थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक शिक्षक कक्षा 3 के छात्रों के कार्यों को और इशारों के साथ एक ही कहानी बता रहा है। बाद में इसने इन्हें उन्हें समूहों में कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहा। आपको क्यों लगता है कि उसने उन्हें कहानी पर चित्र बनाने के लिए कहा था? देखिए वह स्पष्ट रंग और ड्राइंग कौशल का उपयोग करना चाहती थी। इसकी हिंदी में दोस्तों ऐसे आंसर होगा। फिर दोस्तों हमारे 137 नंबर क्वेश्चन क्या था पेपर में, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स विच आर, मतलब सक्रिय शब्दावली में वे शब्द होते हैं जो है यूज फ्रिक्वेंटली, अक्सर इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर होगा यूज्ड फ्रिक्वेंटली। 138 200 क्वेश्चन नंबर, द मेजर एम ऑफ द टीचिंग पोएट्री इज, शिक्षण कविता का प्रमुख उद्देश्य है एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, आनंद और प्रशंसा। 139 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, मोरफीम इज द, या मोरफीम है, इसका सही आंसर होगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, अर्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। फिर दोस्तों हमारा 140 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है उसको देखते हैं, अ टीचर ऑफ क्लास 2 यूजेस लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड अ ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, हियर लर्नर्स इज यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ। तो दोस्तों चलिए इसकी हिंदी देखते हैं, पहले इसका आंसर हो जाएगा रिसोर्स, मतलब संसाधन। कक्षा 2
का शिक्षक पुल बनाने के लिए शिक्षार्थियों के ज्ञान और भाषा को उपयोग करता है अपनी मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा शिक्षण के बीच। यहाँ शिक्षार्थी का उपयोग अंग्रेजी सिखाने में किया जाता है। कैसे दोस्तों? संसाधन हिंदी में ऐसे रिसोर्स अंग्रेजी में। तो देखिए क्या होता है ना, जो ये आप इंग्लिश थोड़ी हिंदी देख रहे हो दोस्तों, ये गूगल से रहती है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो हमारा मेन एम है कि आपको हिंदी समझ में आनी चाहिए कि पूरी इंग्लिश की हिंदी आखिर क्या बनेगी, वो यही बनेगी। ठीक है, फिर दोस्तों हमारा 141 नंबर क्वेश्चन आया था पेपर में। BICS स्टैंड फॉर, मतलब ब्रिक्स का मतलब है, तो बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। ठीक है दोस्तों, हिंदी में भी वही है, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। फिर हमारे दोस्तों 142 नंबर क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन था, इसको टिक कर लिए होंगे आप लोग ने। अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट इन हर क्लास, सी शुड, मतलब दोस्तों एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक भाषा समृद्ध वातावरण बनाना चाहता है, उसे होना चाहिए। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन, तो दोस्तों हमें एक अवसर प्रदान करें जहां बच्चों द्वारा भाषा को देखा, परखा और उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर ये होगा। देखिए सिंपल सी बात, अगर आप लोग हिंदी बनाना आप दोस्तों सीख लीजिए, अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी, जी हाँ दोस्तों, अगर थोड़ी सी कमजोर है, अगर आप हिंदी स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 143 नंबर क्वेश्चन, लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन इज कंसिडर्ड एज एन रीडिंग, देखिए बच्चों के लिए साहित्य एक पढ़ने के रूप में माना जाता है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इंस्पिरेशनल सोर्स आप या प्रेरणादायक स्रोत, ठीक ना, स्रोत स्रोत है दोस्तों। अब 144 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ अ लिटरेचर फॉर चिल्ड्रेन, मतलब निम्नलिखित में से क्या बच्चों के लिए साहित्य का एक रूप नहीं है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा थिसारस। क्या हो जाएगा? थिसारस। ठीक है, इसको टिक करेंगे आप लोग, एक नंबर ले जाएंगे। फिर 145 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, इसको दोस्तों देखते हम लोग जरा। विच वन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट रिच एनवायरमेंट, तो दोस्तों प्रिंट रिच पर्यावरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा, वंस मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन, मतलब एक बार सामग्री को दीवारों पर चिपकाने के बाद इसे पूरे सत्र के लिए नहीं हटाया जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न क्या आया था पेपर में, उसको देखते हैं। 146 नंबर क्वेश्चन, अ टीचर गिव्स द टास्क ऑफ डायलॉग कंपटीशन टू क्लास 5 स्टूडेंट, द रोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग अ स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मेलिक एक्सप्रेशन। ये दोस्तों हिंदी में दोस्तों देखते हैं, एक शिक्षक कक्षा 5 के छात्रों को संवाद प्रतियोगिता का कार्य देता है, इस कार्य की भूमिका भाषा सीखने में होगा, लेकिन सूत्र अभिव्यक्ति का उपयोग करके एक विशिष्ट भाषा अभ्यास देकर बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए। तो दोस्तों 147 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, यूजिंग रील या इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, मतलब भाषा वर्ग में रील या का उपयोग करने का अर्थ है लाना, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स, मतलब वास्तविक वस्तुएं शिक्षण सहायक के रूप में। ठीक है ना, अब 148 नंबर क्वेश्चन क्या है तो पेपर में उसको देखते हम लोग। द मल्टी लैंग्वेज नेचर ऑफ इंडियन क्लास रूम मस्ट बी यूज एज ए रिसोर्स सो डेट, मतलब भारतीय क्लासरूम की बहुभाषी प्रकृति का उपयोग संसाधनों के रूप में किया जाना चाहिए ताकि एवरी चाइल्ड फील्स सिक्योर एंड एक्सेप्टेड, मतलब हर बच्चा सुरक्षित और स्वीकृत महसूस करता है। फिर 149 नंबर दोस्तों क्वेश्चन पेपर में क्या आया था उसको देखते हैं। अ इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 1 स्टार्ट्स विद पिक्चर्स पोएम्स एंड स्टोरीज एंड एंड्स विद अल्फाबेट्स इन द एंड, विच अप्रोच डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन लैंग्वेज पेडागोजी, मतलब दोस्तों कक्षा 1 के लिए एक अंग्रेजी पाठ्यपुस्तक चित्रों कविताओं और कहानियों के साथ शुरू होती है और अक्षर के साथ समाप्त होती है, अंततः भाषा शिक्षण में इस तरह की व्यवस्था किस दृष्टिकोण को दर्शाती है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक अप्रोच या विद्युत दृष्टिकोण। ठीक है ना, तो यहाँ तक दोस्तों हमारा हो चुका है। उसके बाद 150 नंबर और आज का अंतिम क्वेश्चन क्या आता है पेपर में इसको देखते हैं दोस्तों। विद वाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व दैट अ चाइल्ड हैज repeatedly made some error in writing such a reverse image, ठीक है दोस्तों आपका A to B, B to D, M W, the child is showing the signs of, नोटबुक की जांच करते समय शिक्षक ने देखा एक बच्चा बार बार आया है, दोस्तों देखिए हिंदी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, लिखने में कुछ त्रुटि हुई है जैसे रिवर्स इमेज ए बी और बी डी एम डब्ल्यू, बच्चे के लक्षण बता रहे हैं, क्या बच्चे के दोस्तों लक्षण क्या बता रहे हैं ये देखना है हमें।
अधिगम विकलांगता या दोस्तों लर्निंग डिसेबिलिटी। तो दोस्तों हमारे 150 क्वेश्चन आज हो चुके हैं, इंग्लिश के मतलब 30 क्वेश्चन। तो बाकी सब्जेक्ट से दोस्तों हमने वीडियो बना रखी है, तो आप अगर चाहते हो संस्कृत का देखने तो दोस्तों संस्कृत का भी हमने आपको लिंक दे देंगे कमेंट बॉक्स में अलग से, कि संस्कृत का आपका आंसर की कैसे आप देख सकते हैं, पूरा एक्सेस कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों बाकी के जो आपके ईवीएस हो गया दोस्तों, सीडीपी हो गया, चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया दोस्तों, ईवीएस मतलब पर्यावरण हो गया दोस्तों, और आपकी मैथ, तीनों दोस्तों आंसर की भी हम कमेंट बॉक्स में लिंक दे देंगे, तो आप सबका आप आंसर की इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताएगा कि आप अगर हिंदी जानते होते तो शायद आप पेपर में और अच्छा कर पाते हैं, अगर आपने छोटी मोटी कोई गलतियां की हैं तो हिंदी की वजह से दोस्तों आपने की होगी, कि आपको थोड़ा बहुत उसकी हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी। तो वैसे दोस्तों इंग्लिश का पेपर जो आया था ओवरऑल ठीक था। तो ठीक है दोस्तों, अब यूपीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी, क्योंकि दोस्तों हमने यूपीटेट के लिए आपके लिए 6.5 घंटे की वीडियो मैथ की बना रखी है। जी हाँ दोस्तों, यूपीटेट मैथ 6.5 घंटे की वीडियो, 6 घंटे 30 मिनट की दोस्तों, इसको जरूर देखिएगा। तो एक वीडियो में आपको लगभग 210 प्रश्न मिलने वाले हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो मैथ के आपकी एक अच्छी खासी प्रिपरेशन तैयारी हो जाएगी। तो अगर आप लोग चैनल पर अभी तक भी नए हो हमारे दोस्तों, तो आप लोग पहले रेड कलर वाली जो सब्सक्राइब वाली बटन देख रहे हो उसको टच कर दीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट। और जिन बच्चों के 90 नंबर बन रहे हैं तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन बच्चों के नंबर थोड़े कम बन रहे हैं, 1-2 नंबर से ऊपर नीचे हो रहा है, तो दोस्तों अभी धैर्य रखिए, ऑफिशियल आंसर की आने दीजिए, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है बाकी सब्जेक्ट्स को लेकर सभी में, क्योंकि सभी लोग दोस्तों होता है क्या ना, पेडागोजी में आपका अंदाजा कुछ और लगता है, सीटेट का अंदाजा कुछ और आता है, तो नंबर ऊपर नीचे होते हैं, तो आप परेशान मत होइए, जो बच्चे 2-4 नंबर से रह रहे हैं, तो वेट एंड वॉच। ठीक है, फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, ऑल द बेस्ट, आपको सभी बच्चे पास हों।